हेलो एवरीवन, तन्वी हियर। हम लोगों ने अपने क्लास 11 के लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ये किसने दी है। ये थ्योरी दी है जॉन डाल्टन ने। कौन से ईयर में दी है? इन 1805, ठीक है। हम लोग कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं ना, थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हमें बताने पड़ते हैं कि उस बंदे ने, उस साइंटिस्ट ने क्या क्या बात की है इसमें, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स को हमारे पास थ्योरी के केस में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट्स, राइट। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ मेन पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे कि इस थ्योरी में उसने क्या क्या कहा है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसने कहा है कि आपके पास कोई भी मैटर है, मैटर मतलब जो भी चीज है, कोई भी चीज जो क्या ऑक्युपाई करती है, जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, हम लोग उसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपके पास कोई भी जो आपके आगे पीछे मैटर है, मतलब जैसे आपने फोन हाथ में पकड़ा हुआ है, लैपटॉप है, बुक है, पेन है, कोई भी चीज जो मैटर है, ठीक है, वो किसकी बनी हुई है? मैटर बना होता है कुछ स्मॉल पार्टिकल्स का, ठीक है। स्मॉल इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब जो टूट नहीं सकते, इनडिविजिबल पार्टिकल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एटम्स, राइट। अब ये जो एटम है ना, ये ग्रीक वर्ड, इससे ग्रीक वर्ड एटमॉस से लिया गया है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का क्या मतलब है कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, राइट। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, कि हमारे आगे पीछे जो मैटर है वो किसका बना हुआ है? मैटर बना हुआ है स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स का, जिनको बोलते हैं एटम्स। और एटम वर्ड कहां से लिया गया है? एटम वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड एटमॉस से, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, राइट। ओके, सेकेंड पॉइंट इस पोस्टुलेट का क्या, इस थ्योरी का क्या है, कि आपके पास जो भी एटम्स हैं, किसके? आपके पास सेम सबस्टांस के, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम सबस्टांस। बोलने का मतलब, जैसे आपके पास कोई बुक है, ठीक है, बुक के जो पेजेस हैं वो किसी पर्टिकुलर एटम के बने होंगे। आपके पास गोल्ड है, गोल्ड के पर्टिकुलर एटम्स होंगे, ठीक है। ये क्या बोलता है, जो एटम्स होते हैं सेम सबस्टांसेस के, वो आइडेंटिकल होते हैं किसमें? इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब कि एक अगर कोई एलिमेंट है या कोई भी चीज है, उसके सभी एटम एक जैसे होंगे, सारे रिस्पेक्ट्स में एक जैसे होंगे। अब कौन कौन से रिस्पेक्ट में एक जैसे होंगे? साइज जैसे सबका सेम होगा, देन शेप सबकी सेम होगी, मास सबका सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो जो रिएक्शन करेंगे वो सबकी सेम होगी, राइट। तो क्या है सेकंड पॉइंट में, किसी एक सेम सबस्टांस के जो एटम्स होंगे वो सभी रेस्पेक्ट में सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। साइज सबका सेम होगा, शेप सबकी सेम होगी, मास सबका सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है। जैसे आपको पता है, हम लोग गोल्ड की बात अगर कर रहे हैं, तो गोल्ड के जो सभी एटम्स है ना, वो सब एक जैसे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट आपके पास है कि आपके पास जो डिफरेंट सबस्टांसेस है, ठीक है, डिफरेंट सबस्टांसेस के जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, उसके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे किस किस में, जैसे उसका मास अलग होगा, साइज अलग होगा, शेप अलग होगी, वो सब कुछ, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर आपके पास गोल्ड है और जो सिल्वर है, तो गोल्ड और सिल्वर के जो एटम्स हैं उनका मास अलग होगा, उनका साइज अलग होगा, ठीक है, उनकी शेप अलग होगी, उनकी रिएक्शंस अलग अलग होंगी, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या है, कि जो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं, वो कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, अदर एटम के साथ, दूसरे एटम्स के साथ, क्या बनाने के लिए, आपके पास बनते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी एटम्स ये जुड़ते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, ये हमेशा कौन सी रेशो में जुड़ते हैं, एक फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशो में ये जुड़ते हैं, ठीक है, फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशो में ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन होंगे, और अगर इनको वाटर बनाना है तो H कितने जुड़ेंगे, H2 जुड़ेंगे, और O जो है, ऑक्सीजन जो है वो एक जुड़ेगा, 2:1 बाय वॉल्यूम ये कंबाइन होंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इसका क्या है, तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कि जो एटम्स हैं, ठीक है, हम उनको क्या नहीं कर सकते, हम उनको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही हम क्या कर सकते हैं, कब हमें क्रिएट या डिस्ट्रॉय एटम कब करने की जरूरत पड़ती है, किसी भी फिजिकल या फिर
केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, या केमिकल जब भी हम चेंजेस करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो किन्हीं भी केमिकल चेंजेस में या फिजिकल चेंजेस में ना ही हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसको, इसकी जो थ्योरी है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, राइट। तो क्या पढ़ा हमने, कि हमने पढ़ा कि जो कोई भी आपके पास क्या है, कोई भी आपके पास मैटर है, मैटर किसका बना हुआ है, मैटर बना हुआ है स्मॉल सबस्टांसेस का, स्मॉल पार्टिकल्स का, जिनको बोलते हैं एटम्स। और एटम्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं इनडिविजिबल, ठीक है। और हमने पढ़ा ये एटम्स, जो एटम शब्द है वो एटमॉस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, मतलब जो मैटर है वो बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिनको बोलते हैं एटम्स, और एटम्स को फर्दर नहीं तोड़ सकते, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कि जो सेम सबस्टांस के जो क्या है, जो एटम्स हैं, वो भी क्या होंगे, वो भी सेम होंगे, ठीक है। थर्ड क्या पढ़ा, जो डिफरेंट सबस्टांसेस के जो एटम्स हैं, वो भी क्या होंगे, वो भी होंगे आपके पास डिफरेंट। और फोर्थ क्या पढ़ा, कि जो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी है, वाटर है, नाइट्रोजन है, वाटर तो मॉलिक्यूल हो गए। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स के आपके पास क्या है, आपके पास एटम्स हैं, वो क्या करेंगे, वो कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे, आपके पास बनाएंगे मॉलिक्यूल, ठीक है, और या कंपाउंड आपके पास बनाएंगे। और हमेशा जुड़ते कैसे हैं, हमेशा सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में ये जुड़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, कि ना ही हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस। ओके, फर्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है, कि आपके पास ये बोलते हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स, उसके जो एटम हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं डिफरेंट। अब इसने ये नहीं बताया कि ये क्यों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोला जाता है कि आपके पास गोल्ड है, आपके पास सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर की एटम्स हैं, उनमें क्या फर्क है, तो इसने ये तो नहीं बताया कि उसमें क्या फर्क है और क्यों उसमें कोई डिफरेंस आता है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आपके पास है कि जैसे आपके पास ये बोलता है कि जो एटम्स हैं किसके, डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं। इसने ये नहीं बताया कि वो क्यों कंबाइन करते हैं, क्यों एटम्स अपने घर पे स्टेबल नहीं होते, अपनी नेटिव स्टेट में, जिस स्टेट में वो एक्चुअल में रहते हैं उसमें स्टेबल नहीं होते, वो क्यों कंबाइन करेंगे और क्यों कंपाउंड बनाएंगे, ये इसने बिल्कुल नहीं बताया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसने, चलो मॉलिक्यूल हमें पता है कि एटम्स जुड़ते हैं मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसने ये नहीं बताया कि उसमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व है, मतलब जैसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, किसी कोई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, इसने ये नहीं बताया कि कौन सी तरीके के, विच टाइप ऑफ फोर्सेज आर इन्वॉल्व, इसने ये बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे हमें नहीं बताया, ठीक है। तो अभी फर्स्ट थ्री पॉइंट्स में क्या पढ़ रहे हैं, कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो है उनके एटम्स जो है वो डिफरेंट क्यों होते हैं, ये इसने नहीं बताया। एटम्स जो हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, इसने ये नहीं बताया क्यों जुड़ेंगे, ठीक है। फिर है मॉलिक्यूल जो है, जब जुड़ेगा एटम तो मॉलिक्यूल बनेंगे, उन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे एटम्स मतलब हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, इनके बीच में फोर्सेस प्रेजेंट है, डिफरेंट बॉन्ड्स हैं इनके बीच में, ये नहीं बताया इसने कि किस तरीके का बॉन्ड ये बनाएंगे, ठीक है। देन आपने पढ़ा था गे-लुसेक्स लॉ, ठीक है, गे-लुसेक्स लॉ क्या बोलता था, गे-लुसेक्स लॉ को ये इसने ये नहीं बताया कि उसकी एक्सप्लेनेशन, कि हम वहां पे क्या बोलते थे कि हमारे पास जैसे कोई गैशियस रिएक्शन है, तो बोलता था कि गैशियस रिएक्शन में जो आपके पास मॉलिक्यूल, जो चीजें जुड़ेंगी वो किस रेशो में जुड़ेंगी, जैसे 1:1:2, कहां से आया, यहां पे कुछ नहीं लिखा, तो 1 है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां पे भी 1 है, यहां पे 2, तो जो गैशियस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में आपके पास जुड़ते हैं, ठीक है। कैसे जुड़ते हैं आपके पास, सिंपल होल नंबर रेशो में, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि क्यों जुड़ते हैं सिंपल होल नंबर रेशो में एटम्स, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स आपके पास जब भी कोई चीज जुड़ेगी या रिएक्ट करेगी वो सिंपल होल नंबर रेशो में क्यों रिएक्ट करेगी, राइट। देन फिफ्थ पॉइंट है, एक प्रॉपर्टी होती है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बैठे बैठे रेडिएशंस एमिट करते हैं, ठीक है। रेडिएशंस एमिट करने का क्या मतलब है, जैसे आपने एक ये रेडियो एक्टिविटी शब्द कहां से आया है, रेडियम से आया है, जो रेडिएशंस एमिट करता है। अब हमारे पास रेडिएशंस कोई एमिट करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एटम है वहां पे वो क्या है, वो स्टेबल नहीं है, वो टूट के कुछ क्या कर रहा है, जो आपके पास है कुछ टूट के रेडिएशंस वहां पे निकाल रहा है, इसका मतलब जो एटम है दैट इज नॉट द अल्टीमेट पार्टिकल, ठीक है। एटम टूट के वहां पे कुछ जो चीजें हैं वो वहां पे निकलती है, ठीक है।
देन आपके पास क्या होता है, आपके पास नेक्स्ट है कि आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। कौन कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शंस? फ्यूजन हो गया, फिशन हो गया, ठीक है। तो फ्यूजन और फिशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं फ्यूजन में हम लोग जैसे चीजें जोड़ती हैं, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ता है और वहां पे क्या बनता है, हीलियम बनता है, ठीक है, ये सन वगैरह में प्रेजेंट होती है। फिशन में क्या है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, यूरेनियम है वो टूटता है, क्या बनता है, बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है, न्यूट्रॉन वगैरह निकलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसका मतलब देखिए, एक पर्टिकुलर क्या है, एटम है, हम इसका एटॉमिक नंबर 92 है, देन इसका 36 है, इसका 56 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट है इसका एटम को हमने तोड़ दिया। तो ये पहले बोल रहा था कि एटम जो है, हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में पढ़ा कि जो एटम होता है वो क्या होता है, वो होता है इनडिविजिबल, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर न्यूक्लियर फिजन आप रिएक्शन ये देखोगे तो यहां पे तो एटम टूट रहा है, इसके दो एटम्स और बन रहे हैं, बेरियम बन रहा है, क्रिप्टॉन बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है। हम उसको पहले वो बोलता था हम उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम एटम को तोड़ सकते हैं, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हम लोग चैप्टर 2 में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स क्या करते हैं, ये हमारे पास बताते हैं कि प्रोटॉन हमारे पास है, न्यूट्रॉन हमारे पास है, देन इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। ये बताते हैं कि जो एटम है उसमें क्या है, उसमें कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन मेन यही तीन होते हैं, ठीक है। तो कहां से पता चलता है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये तो बताते हैं कि पॉजिटिव वाली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव वाली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन ये इस थ्योरी की क्या हो गई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो बोलती थी कि एटम को हम कभी तोड़ ही नहीं सकते, एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन अगर एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब एटम जो है वो स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम के अंदर और भी छोटी छोटी चीजें वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, ये बोलता था जो पोस्टुलेट था इसका, पोस्टुलेट की मैं बात कर रही हूं, ये बोलता था कि एक एलिमेंट जो है उसके सारे एटम्स क्या होते हैं, सारे एटम्स सेम होते हैं, ठीक है, साइज में सेम है, शेप में सेम है, मास में सेम है, सारी प्रॉपर्टीज उसकी सेम होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने आइसोटोप पढ़ा हो, एक दिन पहले भी शायद किसी लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आइसोटोप, ठीक है, अगर आपको आइसोटोप पता हो तो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप पहले बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है, लेकिन मास नंबर अलग है, मास नंबर डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो लोअर लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, और मास नंबर क्या होता है, वो अपर लेफ्ट मतलब ऊपर और लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, अलग है, ठीक है। अब ये क्या बोलता था, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट का ये बोलता था, पोस्टुलेट था इसका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, कि एटम्स हर रिस्पेक्ट में सेम होंगे, साइज शेप मास सब कुछ बराबर होगा। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन अगर आप देखो वो बोलता था मास सेम होगा, क्या यहां पे मास सेम है, यहां पे मास बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो इसका मतलब जिस जिस एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होगी, फेल होगी, ठीक है। तो आई होप ये वाले जो आपको पॉइंट्स हैं, कुछ 7-8 हमने क्या पढ़े, लिमिटेशंस पढ़ी, और 5-6 हमने क्या पढ़े, हमने पोस्टुलेट पढ़े, ये वाले आपको पता चल गया होगा। हमने क्या पढ़ा ऐसे इस एक्चुअल डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं फिर से। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम के बारे में बात करती है, वो बताती है कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सब सेम होते हैं, डिफरेंट सेम होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो में, ये फिक्स होल नंबर रेशो में कंबाइन करके कंपाउंड आपके पास बनाते हैं, ठीक है। और एटम्स को हम क्या नहीं कर सकते, एटम्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के टाइम, ठीक है। और हमने लिमिटेशंस पढ़ी, लिमिटेशंस मतलब जो इन पॉइंट्स के खिलाफ थी कुछ चीजें, वो पढ़ी। क्या पढ़ा कि एटम्स जो, जैसे ये बोलता है, अभी हमने आइसोटोप वाला लास्ट पॉइंट पढ़ा कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये बोलता है कि एटम्स जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्यों कंबाइन करेंगे नहीं बताया। अगर मॉलिक्यूल बन ही गया तो मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है, नहीं बताया इसने। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बताता है कि हमारे पास एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ये सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये पॉजिटिव वाली चार्ज नेगेटिव वाली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसने तो बोला कि एटम के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने रेडियो एक्टिविटी की बात की कि रेडिएशन एमिट होती है, वो इसने नहीं बताया।
उसके बाद हमने न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन की बात की, ये एटम्स जुड़ सकते हैं, नहीं बताया। एटम्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, नहीं बताया। तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मासेस की, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये सब उनकी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।